ट्रीटमेंट है ऐसा बोला, तो वो दो पैरामीटर्स कौन से थे, पहला था फ्रीक्वेंसी और दूसरा था इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी से क्या होता है। सो व्हाट हैपेंड एट फर्स्ट, ही सॉ दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी वाज वेरी लेस, देखो जब भी फ्रीक्वेंसी बहुत लेस था तो क्या हुआ, देयर वाज एब्सोल्युटली नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन ही इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी, देखो थोड़ा सा मैं यहां पे डार्क करता हूं, व्हेन ही इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी दैट मींस द कलर ऑफ द लाइट, ही फाउंड आउट दैट सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स वेयर कमिंग आउट। इसके बाद में हर्मन हर्ट्ज को यह पता चला कि ये किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बाहर नहीं आता, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट राइट? सो दिस इज व्हाट ही फाउंड आउट। देन द सेकेंड फैक्टर वॉज इंटेंसिटी। इन द इंटेंसिटी ऑफ द सेम कंसेप्ट, सी जब इंटेंसिटी लेस था देर वॉज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट स्लोली जब उसने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, he found out that after a certain intensity the electrons started ejecting out and this proved the particle nature of the light. Samajh mein aa gaya kya bachcho? Are you understanding? This is a very interesting experiment, photoelectric effect. Photoelectric effect mein itna hi bola hai ki light has a particle nature, yani ki light ko agar kisi metal surface ke upar dal doge to kya hoga, jo metal jo hai, metal is connected with the न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मेटल। तो क्या होगा, जब भी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इसके ऊपर आएगा तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्लोली फेड अवे, कम हो जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा, अगर इन दोनों का अट्रैक्शन खत्म हो गया तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कमिंग। बराबर है ना? इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने ना, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। वी नो दैट न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है। बट व्हेन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाइट इज इंसिडेंट अपॉन दैट मेटल सरफेस, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल फेड अवे एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट इजेक्टिंग। समझ में आ रही, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, राइट डाउन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स बिकॉज ऑफ electron tend to absorb energy from the incident light, and use it to overcome the attractive forces that bind them to metallic nuclei. Okay?